पेटीएम बैंक से हमें लोन लेने के लिए सबसे पहले पेटीएम में जो पर्सनल लोन का ऑप्शन दिख रहा है उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करने के बाद हमें आगे ऑप्शन आ रहा है, देखते हैं क्या आ रहा है, चेक योर लोन ऑफर पे आ रहा है, तो उस पर हमें क्लिक कर देना है। हमें क्या ऑफर मिलने वाली है वो हम चेक कर लेंगे। यहाँ पर हमें कुछ डिटेल मांगे हैं, मैंने वो फिल कर दिए हैं, आप पॉज करके देख लीजिएगा। फिर आगे का प्रोसेस ये आ रहा है, तो हमें यहाँ पर सैलरी ऑलरेडी चूज है तो हमको इसको हटा करके सेल्फ एम्प्लॉय बिजनेस चूज कर दिया है। तो बिजनेस शॉप का नाम मांग रहा है तो शॉप का नाम हम दे देते हैं। हमने यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी शॉप दे दिया, बट मेरा कुछ नहीं है बट हमने इसे दे दिया। तो यहाँ पे ईयरली इनकम मांग रहा है तो हमने यहाँ पे 2 लाख भर दिए। और इसके बाद होम एड्रेस पिन कोड मांग रहा है, तो होम एड्रेस मेरा जो है पिन कोड मैं यहाँ पर डाल दे रहा हूँ, मैंने डाल दिया। ये पर्सनल यूज के लिए मैं उठा रहा हूँ तो इसलिए पर्सनल यूज का ऑप्शन ले लिया हूँ और कन्फर्म पर क्लिक कर दिया। तो हमारा लोन ऑफर क्रिएट हो रहा है कि कितना लोन हमें मिलेगा, तो देखते हैं कितना लोन मिलेंगे। हमें 34,000 का लोन दे रहे हैं पेटीएम बैंक, तो गेट स्टार्ट पे हम क्लिक कर देते हैं। और यहाँ पे ईएमआई दिखा रहा है 6 महीने और 12 मंथ का, तो हमें 6 महीने का लेना है। अगर आपको 12 मंथ का लेना है तो 12 मंथ का भी चेक कर सकते हैं उस पर क्लिक करके। और हमें 6 महीने के लेना है तो आप पॉज करके देख सकते हैं 6 महीने वाले में क्या कैसे चार्ज लग रही है। हमने फटाफट से आगे का केवाईसी करने के लिए आगे प्रोसेस कर दिया है। मेरा केवाईसी प्रोसेस में जा चुका है और केवाईसी में कुछ डिटेल मांगेंगे वो डिटेल हम दे देंगे। यहाँ पे मेरे आधार कार्ड का लास्ट 4 डिजिट मांग रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लास्ट 4 डिजिट डाल दे रहा हूँ, जो भी मेरा आधार कार्ड का 4 डिजिट है। मैंने ये डाल दिया और जेंडर चूज कर लिया मेल और प्रोसीड पे क्लिक कर दिया। फिर मेरा वेरीफाइंग केवाईसी हो रहा है, चेक हो रहा है सही या गलत है। उसके बाद आगे का ऑप्शन आ जा रहा है, यहाँ पे मेरा सेल्फी मांग रहा है, तो मैंने यहाँ से फटाफट से सेल्फी अपलोड कर दिया। सेल्फी अपलोड करने के बाद प्रोसीड का ऑप्शन आ गया है आगे का, कि वैसे मेरा वेरिफिकेशन हो चुका है। फिर देखते हैं आगे क्या मांगते हैं, जो भी मांगेंगे हम वो फिल करते जाएंगे। कुछ देर वेट करने के बाद ये आए हैं, जो मेरे बैंक लिंक है ना, जितने भी मेरे पेटीएम बैंक लिंक है, जैसे पेटीएम बैंक हो गया या कोई अदरवाइज भी हो गया, तो वो सारा ऑप्शन दिखा देगा। तो मैंने पेटीएम बैंक चूज कर लिया है और 1 रुपये सेंड उस पर होगा और वेरिफिकेशन होगा ये सही है कि गलत है। कुछ ऑप्शन दिख रहे हैं जिसमें कि लिखा हुआ है 5 एवरी मंथ, यानी कि 5 तारीख को प्रत्येक मंथ मेरे लोन कट जाएंगे। तो आगे का ऑप्शन हम ले रहे हैं, आपको जो भी देखना होगा पॉज करके देख लीजिएगा वीडियो का। तो हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो रजिस्टर मोबाइल है यहाँ पे हमने डाल दिया है जो भी है, तो उस पर हमारे OTP आएंगे रजिस्टर पर। तो OTP आ चुका है 315760, तो यहाँ पर मैंने फटाफट डाल दिया। आगे का जो मेरा पेटीएम बैंक का जो ना पासकोड है ना 4 डिजिट का, वो मांग रहा है, मैं वो भी डाल दिया हूँ, प्रोसीड पे क्लिक कर दिया हूँ। तो ये देखिए मेरा बैंक वेरिफिकेशन हो गया, जिससे कि मेरा लोन का अमाउंट जो भी होगा 5 तारीख को कटेंगे। तो देखते हैं आगे का जो भी ऑप्शन आएगा उसका भी हम प्रोसीड करेंगे जो भी आएंगे। ये देखिए मेरा लिंक हो रहा है बैंक अकाउंट, तो थोड़ा टाइम लग रहा है इसमें, ये देखिए हो गया। तो देखिए आगे का प्रोसेस आ चुका है और ट्रांसफरिंग मेरे अकाउंट में 31,794 रुपये आएंगे। तो बाकी जो है ना प्रोसेसिंग फी, GST वगैरह वगैरह जो भी रहता है उसमें कट जाते हैं। तो ये देखिए मुझे अप्रूवल हो गया है, कॉन्ग्रेचुलेशन, ऊपर में बता दिया गया है 31,794 रुपये मेरे अकाउंट में आएंगे। तो जो भी डाटा है हमें ये व्यू माई लोन डिटेल पर क्लिक करके देख सकते हैं कि हमें टोटल पे करना है 37,656, 31,794 में से जो 34,000 हमें लोन मिले हैं उसमें से क्या क्या प्रोसेसिंग भी कटे हैं, स्टैम्प ड्यूटी चार्ज कटे हैं, ये सारे चार्ज कट करके हमें 31,794 रुपये मिल रहे हैं। और EMI वगैरह लगा करके 37,656 रुपये हमें पे करने हैं उनको। तो ये डाटा हमने देख लिया है और हम आगे का डाटा हम आपको दिखा रहे हैं कि 1 रुपये मैंने ट्रांसफ़र किए थे मेरे अकाउंट में आए कि नहीं आए। तो बैक टू होम पे क्लिक करके हम होम स्क्रीन पे आ जाते हैं। तो होम स्क्रीन पे आ जाने के लिए मैं बैक आ जाता हूँ, आप इसको पॉज करके डिटेल पढ़ लीजिएगा। ये देखिए मैं आ गया, बैलेंस एंड हिस्ट्री पे क्लिक करके चेक कर लेते हैं 1 रुपये मेरे में आए थे या नहीं आए थे। तो ये देखिए 2 बार मेरे एक अकाउंट में 1-1 रुपये करके आए हैं,
ये 197 कम्युनिकेशन के अनुसार वेरिफिकेशन हुआ है। हमें जो लोन मिला है वो हीरो फाइनेंस के अनुसार मिला है। यहाँ पे आपको मैं डिटेल दिखा दे रहा हूँ, 31,794 रुपये मेरे अकाउंट में हीरो फाइनेंस के अनुसार आए हैं। तो ये यहाँ पे मैंने 31,794 रुपये सर्च कर लेने हैं जो हमें मिले थे, क्योंकि ट्रांजेक्शन काफ़ी हो गई थी इसलिए मैंने सर्च बार का ऑप्शन चूज किया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि NEFT मोड से हमारे पास पेमेंट आए थे 31,794 रुपये, HDFC बैंक अकाउंट के अनुसार हमारे अकाउंट में भेजे गए हैं। ये सारा चीज़ शो कर रहा है यहाँ पे। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगेंगे तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए होंगे तो। धन्यवाद दोस्तों।